आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज के प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। कुंदन पाहन की उम्मीदवारी प्रशासन के लिए बनी सिरदर्द। दूसरी खबर, दलों ने झोंकी ताकत, दूसरे चरण के प्रचार का समापन गुरुवार को। तीसरी खबर, महिला सुरक्षा किसी भी दल के लिए मुद्दा नहीं। चौथी खबर, नई सरकार से उम्मीदें संजोए, पारा शिक्षक मायूस लौट रहे हैं चुनावी सभाओं से। पांचवी खबर, मनीष जायसवाल ने चुनाव प्रचार में लगाया जोर। छठी खबर, कुणाल षडंगी ने झोंकी ताकत, ताबड़तोड़ सभाएं की। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड विधानसभा चुनाव में तमाड़ सीट हॉट हो गई है। इस सीट को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। इसका कारण भी है, जेल में बंद दो उम्मीदवार प्रशासन की सिरदर्द का कारण बने हैं। कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन इस सीट से चुनाव लड़ रहा है। वहीं पूर्व मंत्री और रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड के आरोपित जेल में बंद राजा पीटर यहां से चुनाव मैदान में हैं। इन दोनों उम्मीदवारों में सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि मौजूदा विधायक और झामुमो प्रत्याशी पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा के पुत्र विकास मुंडा तथा अन्य प्रत्याशियों की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। इस विधानसभा क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखना और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराना प्रशासन के लिए चुनौती है। चुनाव आयोग और प्रशासन के आला अधिकारी भी यहां निगाहें बनाए हुए हैं। यहां तक कि चुनाव प्रचार में शामिल रहने वालों की मॉनिटरिंग भी हो रही है। रांची बुंडू राजमार्ग पर स्थित कुंदन पाहन के चुनावी कार्यालय में जमा रही स्थानीय युवाओं की भीड़ की मॉनिटरिंग हो रही है। एक एक दागदार चेहरों पर निगाहें रखी जा रही है कि कौन जमा हो रहा है और किस तरह के लोग आ रहे हैं। एक एक चुनावी सभाओं पर नजर रखी जा रही है। खास तौर पर कुंदन पाहन की पत्नी की सभाओं में उमड़ रही भीड़ चौंकाने वाली है। प्रशासन इसकी भी पड़ताल में जुटा है। बता दें कि कुंदन पाहन तमाड़ के पूर्व विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड का मुख्य आरोपित है। कुख्यात कुंदन पाहन ने 14 मई 2017 को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण के वक्त वह नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों के झारखंड रीजनल कमेटी का सचिव था और 15 लाख का इनामी था। आत्मसमर्पण के वक्त उस पर रखे गए 15 लाख रुपए के इनाम का चेक उसे दे दिया गया था। कुंदन पाहन पर डीएसपी इंस्पेक्टर की हत्या समेत 127 आपराधिक मामले थे। इनमें खूंटी में 50, रांची में 42, चाईबासा में 27, सरायकेला में 7 एवं गुमला में 1 कांड दर्ज है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 7 दिसंबर को मतदान होगा। इसके लिए गुरुवार को प्रचार समाप्त हो जाएगा। सभी राजनीतिक दलों ने विधानसभा की सभी 20 सीटों के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश के नेता भी अपने अपने स्तर पर पसीना बहा रहे हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास अपने क्षेत्र के अलावा हर दिन दूसरे विधानसभा क्षेत्र में 2 से 3 सभाएं कर रहे हैं। झामुमो नेता हेमंत सोरेन ने दूसरे चरण के विधानसभा क्षेत्रों में ताकत झोंक रखी है। दक्षिणी छोटा नागपुर से लेकर कोल्हान तक वह हर दिन 2 से 3 चुनावी सभा कर रहे हैं। आजसू प्रमुख सुदेश महतो भी 20 विधानसभा क्षेत्र के वैसे हर विधानसभा में सभा कर रहे हैं जहां उनके प्रत्याशी हैं। झाबुमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी भी हर दिन 3 से 4 सभाएं कर रहे हैं। इन सब के बीच वाम दल भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में लगा है। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के प्रदेश नेताओं के अलावा केंद्रीय नेताओं का भी तूफानी दौरा चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह दूसरे चरण के लिए प्रचार कर लौट चुके हैं। राहुल गांधी भी चुनावी सभा कर चुके हैं। इसी कड़ी में बुधवार को आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने गुमिया, जुगसलाई और मांडर में चुनावी सभा की। वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास भी बुधवार को अपने चुनाव क्षेत्र में रहे। उन्होंने बिरसा नगर, रघुवर नगर समेत कई इलाकों में पद यात्राएं की और लोगों से वोट मांगे। वहीं झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने सरायकेला, खरसावा, मोहनपुर, जुगसलाई और पोटका में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उधर झाबुमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने जगन्नाथपुर, चकरधरपुर और चाईबासा में चुनावी सभाएं की। झामुमो सुप्रीमो गुरुजी शिबू सोरेन भी बुधवार को कोल्हान में थे और चक्रधरपुर तथा खूंटी में चुनावी सभा को संबोधित किया। इसके साथ ही विभिन्न दलों के स्टार प्रचारकों ने भी जनसभाएं की। कांग्रेस के स्टार प्रचारक शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह के साथ खिजरी, मांडर और खलारी में जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मांडर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने डकरा में भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इतना ही नहीं, गुरुवार को ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड आ रहे हैं। वह जमशेदपुर और ईचागढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव भी गुरुवार को जमशेदपुर में ही चुनावी सभा करेंगे।
अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। महिला सुरक्षा को लेकर आज पूरा देश जल रहा है। हैदराबाद गैंगरेप और मर्डर को लेकर दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक आंदोलन हो रहा है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप को लेकर लोग आक्रोशित हैं। रैलियों और प्रदर्शन का दौर जारी है, पर इधर विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल उलझे हैं। शायद यही कारण है कि इस प्रकार की शर्मनाक घटनाओं पर राजनीतिक दलों और नेताओं की प्रतिक्रियाएं तक नहीं आ रही और न ही महिला सुरक्षा का मामला मुद्दा बन सका। देखा जाए तो तमाम राजनीतिक दलों के एजेंडे से महिला सुरक्षा का मुद्दा गायब है। चुनाव के मद्देनजर जारी हुए घोषणा पत्रों में महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाओं का जिक्र है। सत्ताधारी दल भाजपा हो या मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और झामुमो या झाविमो, सभी के घोषणा पत्रों में महिलाओं के मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। दलों ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33-50% आरक्षण देने की बात कही है। महिलाओं को समान वेतन देने की भी बात कही गई है। भाजपा ने महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने का जिक्र किया है, पर महिला सुरक्षा का जिक्र किसी ने नहीं किया, जो आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो चला है। गाहे बगाहे विपक्षी दलों के नेता अपने भाषणों में इस घटना को लेकर विधि व्यवस्था का हवाला जरूर दे रहे हैं, पर कोई खुलकर महिला सुरक्षा को लेकर अपनी योजना नहीं बता रहा। आज समय आ गया है कि हर दल को यह बताना चाहिए कि महिला सुरक्षा और महिला सम्मान को लेकर उनका एजेंडा क्या है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। झारखंड विधानसभा चुनाव में पारा शिक्षकों का मूड भापना मुश्किल लग रहा है। हालांकि पारा शिक्षक चुनाव से पहले तक भाजपा के प्रति अपनी नाराजगी जता रहे थे, पर जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ रहा है, पारा शिक्षकों की निराशा बढ़ रही है और उनका मूड भापना मुश्किल हो रहा है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्य कर रहे 63,000 पारा शिक्षकों को नई सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। वे अपने भविष्य के सपने संजोए विभिन्न राजनीतिक दलों की सभाओं में पहुंच रहे हैं, पर उनके हित की बात मजबूती से नहीं रखे जाने से उनमें मायूसी है। पारा शिक्षक नेता विनोद तिवारी ने कहा कि कोई भी मजबूती से उनकी बात नहीं कर रहा। पहले भी उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलते रहे, अब चुनावी भाषण में स्थायी करने तथा मानदेय देने पर किसी ने अपनी योजना का खुलासा नहीं किया है। अब नजर डालते हैं आज की पांचवी प्रमुख खबर पर। हजारीबाग सदर से भाजपा विधायक और पार्टी के प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने अपने क्षेत्र में बुधवार को तबातोड़ प्रचार किया। कई गांवों का भ्रमण कर उन्होंने प्रचार अभियान चलाया और भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। कहा कि झारखंड का है नारा भाजपा दोबारा। कहा कि राज्य में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है, जनता ने यह तय कर लिया है। मनीष जायसवाल जहां भी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं की जानकारी ले रहे हैं और उन्हें दूर करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। अब नजर डालते हैं आज की छठी प्रमुख खबर पर। बहरागोड़ा के भाजपा प्रत्याशी कुणाल षडंगी भी पूरे जोर शोर से चुनावी अभियान में जुटे हैं। प्रचार के लिए अब मात्र एक दिन बचा है। इसे देखते हुए बुधवार को उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में तबतोड़ सभाएं की, एक एक गांव पहुंचकर लोगों से मिले और उनका कुशल क्षेम पूछा। दरअसल कुणाल जहां भी जा रहे हैं, युवाओं की बड़ी फौज उनके साथ जुड़ रही है। खुद भी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए उनका पूरा फोकस शिक्षा और युवाओं पर रहता है। स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर बनाने की बात वह कह रहे हैं। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।